जिसका प्राचीन नाम काशी। समय और परिवर्तन के तमाम थपेड़ों के बावजूद ये अपनी पुरानी विरासत सजोए हुए है। मीठी भाषा के लिए विख्यात इस शहर के लोगों के बोलचाल में गालियों का तड़का इसकी मिठास को और बढ़ाने का कार्य करता है। ये कहानी एक क्षेत्र के 1990 के दशक की है। किसी समय में स्वर्गीय छत्रपाल सिंह का बड़ा नाम था, जिनके दो बेटे बड़ा अमरपाल सिंह और छोटा समरपाल सिंह। समरपाल इलाके का दबंग भू माफिया है, जिसका सपना और मकसद इलाके में साम दाम दंड भेद किसी भी तरह अपनी जमीन बढ़ाते हुए अपनी ताकत बढ़ाना है। तो अमरपाल एक नाकारा इंसान होता है जो समरपाल के दम पर अपनी भोकाल बनाता रहता है। मालिक, ये भगतवा है ना, हमरे खेत में जाए का रास्ता नहीं दे रहा मालिक, और धीरे धीरे हमरे खेत में कब्जा करके अपने खेत में मिलाता जा रहा है मालिक। नहीं मालिक, ये हरिया झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं मालिक, मालिक आप ही न्याय करिए, हम अपने खेत में रास्ता कहाँ देते इसको। ए चुप मालिक, ये भगतवा ना बहुत हरामी है। भगतवा तू तो चुप कर, साफ खबर है। क्यों मालिक को सब पता है, तू क्या समझता है। नहीं मालिक, इसका बात मत मानिएगा मालिक, मालिक के झूठ बोल रहा है। नहीं मालिक, बगल वाले पंडित जी के चढ़ावे में बोल रहा है मालिक। भगतवा खड़ा हो, खड़ा हो। जितना भी खेत कब्जा किया ना सर, वापस कर दे। मालिक, चक्करधारी बावड़ा ही क्या का कर रहा है। कुछ नहीं, वो भगतवा और हरिया मालिक से मिलने आए थे। ये तो हमको बताएगा, बाग बावसड़ी के गांडू, हमको सब पता है। मालिक पहले लगो, मालिक आपको सब पता है। मालिक पहले लगो। हमको सब पता है, तो हर जमीन पर ही कब्जा कर रहा है और तू एकर जोरू पर कब्जा कर रहा है। साला एक तरफ जोरू और दूसरी तरफ जमीन। चल कोई बात नहीं, हम एक रास्ता निकाल लिए। भगतवा से इसकी बीवी नहीं संभल रही है, अत्तोरा से तो हर जमीन। अब तो अपनी जमीन हमारे हवाले कर दे। लेकिन मालिक, फिर वही बात, पैसा देंगे ना रे तोरा है? फिर देखते हैं, ये तोहर जमीन पर कब्जा करेगा कि एकर जमीन पर कब्जा होगा। ठीक है मालिक। चल भाग यहां से।
कहाँ चला गया था रे? कहाँ चला गया था? है? वो भैया जी का फैसला सुन रहा था। उन्होंने आपका फैसला भी पलट दिया और हरिया की जमीन भी ले ली। जाने दे, छोटे तो जमीन सुन सुन कर निकाल लेता है। चल मार्केट चल, चलो पड़ती जा। पाए लागू मालिक, पाए लागू। अरे पलटू राम, अरे तुम होने वाले सरपंच हो, आओ कुर्सी पर बैठो। अरे नहीं मालिक। अरे बैठो बैठो बैठो। हमको बहुत खुशी है कि इस बार हमारी पंचायत सीट STSC के लिए रिजर्व हो गई है। जी। हम तो तहे दिल से यही चाहते हैं कि तुम ही सरपंच बनो। बस मालिक, आपका आशीर्वाद चाहिए मालिक। पैसा वैसा का इंतजाम है ना ठीक से? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ शिव प्रसादवा लड़ रहा है। अब बोला था कि पूरा तगड़ा पैसा लेके बैठा हुआ है। उसी लिए तो हम आए हैं मालिक। हमारे पास पैसा कहाँ है? बस बस थोड़ा बहुत जमीन है मालिक। हाँ जमीन है ना तो काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मालिक। अरे फिर लेकिन वेकिन छोड़ो, अभी देखो क्या है, जमीन तो वहीं रहेगी, भाग के जाने वाली है नहीं, खाली हमारे नाम हो जाएगी। तो क्या है, तुम सरपंच बनोगे तो वापस ले लेना। ठीक है मालिक। है ना, तो एक काम करो, संभुआ से मिल लो, वो करवा देगा, है ना? जी मालिक। कारे संभुआ, ये गोली किसके खेत में गिरी होगी? मालिक राइफल है ना, इसकी रेंज बहुत लंबी होती है, पता नहीं किसके खेत में गिरी होगी। हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ खड़ा होकर रॉकेट लॉन्चर भी दाग दें, तो रॉकेट हमारे ही जमीन में गिरना चाहिए। मतलब सब भैया जी की जमीन। यहाँ से ई तरफ हमारा और ऊ तरफ तुम्हारा। अज्जू इधर का तो हमारा हो गया, अब अगर हमको उधर का लेना हो ई बंदूक से ले लेंगे। ई बंदूक से का है? जब ये हमारा है तो हमारा है, इसका मालिक तो मैं हूँ ना। अरे पगले, जिसमें ताकत होती है ना वही जमीन का मालिक है। अच्छा तो आ जाओ, दिखाओ अपनी ताकत। हे अज्जू, क्या लड़ रहा है मालिक के साथ? अरे नहीं चाचा, लड़ नहीं रहे थे, जमीन जमीन खेल रहे थे। जमीन जमीन बड़ों का खेल होता है, बच्चों का नहीं। कोई और खेल खेलिए। लड़ना मत, खेलो कोई और खेल। अब क्या खेले, चल मार। मालिक इस बार गेहूं की खेती अच्छी नहीं हुई है। दिख तो अच्छी रही है। दाना नहीं है उसमें लेकिन। ए जो! बाबू रुक! नालायक कहीं का। क्या कर रहा था ये छोटे मालिक है? मालिक आपको लगी तो नहीं? नहीं। अब जाइए। पहले बबलू ने हमारे पर निशाना लगाया था, अब हमारी बारी थी। उनकी बात छोड़, वो मालिक है, हम नौकर हैं।
वो ठाकुर है और हम, या तो हम छोटे हैं उनसे, तो उनकी बराबरी करेगा। चल 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 जा यहाँ से। लगे मालिक। अरे शिव प्रसाद, अरे वहां नहीं नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अरे मालिक, हम आपके बराबर में कैसे बैठ सकते हैं? आप ठाकुर हैं और हम चमार। अरे किस जमाने में जी रहे हो? आज तो लोकतंत्र है ना, भूल गए का? जिसके पास पावर है वही बड़ा है, और तुम तो होने वाले सरपंच हो। चलो चलो आप यहाँ बैठो और आज हमारे साथ एक घूंट लगाओ। जी मालिक। आओ, शर्माओ नहीं। अरे थोड़ा पानी तो मिला लेते। अरे नहीं मालिक, अंग्रेजी का मजा चला जाएगा। अच्छा शिव प्रसाद, कल को अगर तुम सरपंच बन गए तो क्या तुमको कोई चमार बोल सकता है? देखो हम तो चाहते हैं कि तुम इलेक्शन खुल के लड़ो। पलटुआ आया था, अभी से खुद को सरपंच समझ रहा है। मालूम है मालिक, जब से आप उसको पैसा दिए हैं बहुत उड़ने लगा है। तुम तो जानते हो शिव प्रसाद की हमारे दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता है, तुम भी नहीं जाओगे। कोई जरूरत है तो बता दो, चुनाव अगर लड़ोगे तो सिर्फ जीतने के लिए। बस मालिक, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, उसके बाद आप जान भी मांगेंगे तो हम दे देंगे। अरे तबा तबा, तुम सरपंच हो, तुम्हारी जान लेके हम पाप लेंगे? कैसी बात कर रहे हो? नहर के बगल वाला जमीन है ना, वो रखवा दो हमारे नाम। अरे घबराने की जरूरत नहीं है भाई, सरपंच बनते ही वापस ले लेना, वैसा 10 जमीन ले लेना, क्या दिक्कत है? भरोसा नहीं है का? ठीक है, दीजिए उनको। मारिए सुट्टा। मारिए तो सही, तब तक मैं। जल गया क्या? आंख बंद कर लो, भगवान का नाम लो। बाबा। कौन से बाबा? बाबा विश्वनाथ। हाँ तो वैसे बोलो ना। ठीक है। ले लो,
और देंगे, रख लो। ठीक है मालिक, चले। हाँ ठीक है। अरे संभाल के। दादा हो गया क्या, घर छोड़वा दें? अरे नहीं मालिक, जो आपके बराबर में बैठ के पिए है ना, उसका नशा है। वो भी अंग्रेजी पहली बार लिए है ना। अच्छा तो चलते हैं मालिक, प्रणाम। संभाल के। मालिक एक बात हमको समझ में नहीं आई कि आप शिव प्रसादवा के साथ हैं या पलटुआ के साथ हैं। हम किसी के साथ नहीं हैं शंभो। तो अपने आप के साथ हैं। ऐसा कहते हैं पर होता कुछ नहीं है। आज बात कुछ अलग है। कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। मैं बच्चा को देख के आती हूँ। विक्रम क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? मुझे साइकिल चाहिए, मैंने पापा से कहा था, उन्होंने मुझे डांट दिया। साइकिल नहीं दिलाई? मेरा बच्चा, मैं दिलाऊंगी तुम्हें साइकिल, ठीक है? चलो सो जा। आप दिलाओगे मुझे साइकिल? तुम्हारी साइकिल तुम्हारे चाचा जी दिलाएंगे मेरे प्यारे बेटे। सो जाओ। कल सुबह तक तुम्हारी साइकिल तुम्हारे पास होगी। ठीक है।
बापू, क्या ठाकुर हमसे बड़े होते हैं? बड़ा, तू अभी तक सोया नहीं और दिन की बात तू अभी तक भूला नहीं। हमको बताओ बापू, बबलू में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तू तो मेरा हीरा बेटा है, हीरा। सो जा, ठीक है? नहीं बापू, आपने सुबह कहा था ठाकुर हमसे बड़े होते हैं। हाँ बेटा, मैंने कहा था, पर क्या करें, समाज ही ऐसा है। ठाकुर ऊंची जाति के होते हैं और बबलू बाबा का जन्म ऊंची जाति में हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है, तू तो मेरा हीरा बेटा है, हीरा। बहुत रात हो गई है, अब तू सो जा, कल बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, सो जा। जानेंगे, जात से नहीं। कैंपस के माहौल में कुछ गर्मी? गर्मी तो हम लोग फैलाते हैं भैया। अरे जी क्या बात। जलाएंगे भैया, आपके लिए नहीं जलाएंगे तो किसके लिए जलाएंगे? पता रखा करो बे। जी भैया। हाँ, ऐसे भी तुम भैया जी के पैनल के प्रत्याशी हो, आटू जाटू के नहीं। जानते हैं भैया। अच्छा है, खुशबू। महेश जी। भैया, भैया जी के लिए शराब दारू की व्यवस्था करो। भैया दारू क्या, दो ऑर्केस्ट्रा वाले भी तैयार हैं। भैया जी बोलिए तो बुला लूं। मुकेश जाओ। अबे विद्यार्थी परिषद की, मैं जा लेती हूँ यार। ये क्या बदतमीजी है? शराफत कहते हैं इसको। बदतमीजी तो अभी हम नीचे करके आए हैं। हटो यहाँ से। नशा है, एक बार दोबारा करना। ढूंढ ना, तू पागल है क्या? चल यहाँ से। अबे नहाने मत देना साला हमको। नहीं नहाने देंगे भैया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहाने नहीं देंगे आपको। हम लोग विद्यार्थी परिषद की ओर से किसी ना किसी को जरूर लड़ाएंगे, वरना हर बार की तरह ये भैया जी के छिछोरों की गुंडागर्दी ना बढ़ती चली जाएगी। तेरी बात सही है फरीदा, लेकिन उन गुंडों से टक्कर लेगा कौन? हमें किसी पावरफुल लड़के को खड़ा करना होगा। मेरी नजर में तो सिर्फ शिवा भैया ही हैं। जो इस कैंपस के अंदर और बाहर उनसे टक्कर ले सकते हैं।
लेकिन ये कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अरे शिवा भैया आ गए। लेकिन क्यों शिवा भैया? मजबूरी है मेरी, क्योंकि माँ ने मुझे अपने कसम से बांध रखा है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस बार भी उनका प्रत्याशी सुनील सिंह निर्विरोध चुना जाएगा। मैंने अपनी मजबूरी बताई है, विद्यार्थी परिषद की नहीं। हम हार नहीं मानेंगे इस बार। मनीष जी भैया, छात्र संघ का अगला अध्यक्ष इस बार तू बनेगा। मैं? वो भी उनके खिलाफ? शिवा भैया, कोई गलती हुई हो तो दो चार थप्पड़ मार लीजिए। यमराज की लिस्ट में हमारा नाम क्या शामिल कर रहे हैं? मैं जानता हूँ, बहुत भौकाल है तेरा। अपने इलाके में दादा माना जाता है तू। ये लो, चढ़ा रहे हैं चना के झाड़ पे। भैया वो बस भौकाल भर है। डर मत, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं आपको, अल्सेशन कुत्ता जो है ना, वो गली के कुत्तों के सामने खड़ा होता है, शेर के सामने नहीं। समझाओ यार। अगर तेरे सामने वो हैं, तो तेरे पीछे मैं हूँ। तो डिसाइड हुआ, हमारा प्रत्याशी मनीष होगा। हाँ, मनीष होगा। सोचने का जो हक है सबको। देखो, हर छोटा मोटा आदमी बड़ा आदमी बनना चाहता है। मनीष बाब क्या सोचता है, इससे क्या करना है? बात इतनी छोटी भी नहीं है भैया, आप सिर्फ मनीष को देख रहे हैं। हम जो जिंदगी में देख रहे हो तुम कभी देख भी नहीं पाओगे। और ये निशा, मेहंदी के लिए? निशा नहीं, इसको नशा कहो, नशा है ये, नशा। शिवा उसे बहन मानता है। अरे कोई कुछ भी माने, इसकी तो हम तसल्ली से एक दिन लेंगे, सही बता रहे हैं। अरे यार चली गई, चलो ठीक, कोई नहीं, फड़फड़ाना बंद। हाँ सिगरेट, हाँ तुम क्या फड़फड़ा रहे थे बताना। मैं बस ये बोल रहा था कि मनीष के पीछे शिवा है, और ये बात हमें सीरियसली लेनी चाहिए। अरे शिवा भैया, आंखें खो। नमस्ते भैया। अच्छा, हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे भैया। क्या है कि मतलब ये सुनील है। नमस्ते भैया। भैया हम आपकी एकदम दिल से इज्जत करते हैं, ठाकुर अरिमर्दन सिंह के बेटे हैं। वो बोलो विक्रम जो बोलना चाहते हो। मतलब सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है ठीक है। आज भैया हम सोच रहे थे सुबह सुबह, मतलब स्वर्ग में उनको कितना तकलीफ हो रहा होगा ना, कि जब वो देख रहे होंगे वहां से कि जहां आपको ठाकुर का साथ देना चाहिए वहां आप चमार सियार का साथ दे रहे हैं। चमार है साला मनीषवा। ये स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन है विक्रम, यहाँ स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। एकदम सही। और हाँ, जो लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं वो लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, इलेक्शन के लिए तो हम लोग हैं। है? काफी है। हम तो कहते हैं कि भैया आप काहे नहीं खड़ा हो जाते हैं, आप खड़ा होंगे 2 मिनट लगेगा, क्या सुनील छोड़ेगा कि नहीं? छोड़ देंगे। हाँ, नहीं छोड़ेगा तो भोसड़ी वाले को मार के कैंपस से भगा देंगे। इस बकचोदी से अच्छा है ना विक्रम, तू अपने इलेक्शन की तैयारी कर। देखिए भैया, इलेक्शन की तो तैयारी भैया हम हर साल करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज तक हमारे सामने कोई खड़ा हुआ भी नहीं। जहां तक रही बात ना ही मनीषवा की, कितना दिन तक आपके नाम का ऑक्सीजन सिलेंडर लेगा उड़ता रहेगा? हाँ शिवा, वो ऑक्सीजन सिलेंडर है विक्रम जिसके ऑक्सीजन की सप्लाई इस यूनिवर्सिटी का हर एक स्टूडेंट है, गुंडा मंडली नहीं। लीजिए। भैया जी मलाई। पहलवान तेरा हाथ लगते ही ना मलाई में और भी मजा आ जाता है। तू एक काम कर, तू एक मलाई की दुकान खोल ले। गुड आइडिया मैन। और दुकान का नाम रखना पहलवान मलाई। अरे भैया जी,
कहीं हमारा नाम मलयो पहलवान ना हो जाए। चलो ए बाब साहब पैसा। बड़की अम्मा कहती थी जाते हुए को पीछे से टोकना नहीं चाहिए, अशुभ होता है। कितना हुआ? 40 रुपया हुआ जी। 40 रुपया 40। तो एक काम करो, तुम हमको 100 रुपया वापस करो। वो कहाँ है? वो इसलिए है क्योंकि इसकी गोली जो है वो 140 रुपया की है। ये गोली का हम क्या करेंगे? अरे गोली का तुम नहीं करोगे, जो करेगी गोली करेगी तुम्हारा। Are you sad, brother? Just cheer up. Cheer up, table up, sab up, mere bhai. Angrez. Tu bata mistake ko kya kehte hain English mein? Mistake is mistake in English, man. Ha, meri bhi mistake ho gayi tujhe dost banakar mere bhai. Arey, aaja, 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 yar. Tu aaja. Arey, bhaiya, aaj to ekdam garda ura diya, ha? Kal ka to ekdam newspaper ka ekdam headline chhape hain. Arey, nahi, yar. Galti ho gayi humse. बहुत बुरा लग रहा है। मिस्टेक है? मिस्टेक हो गई हमसे। काहे? साला गरीब को मार दिया हम, पर क्या करें, हमको पीछे से टोक दिया वो, और तू जानता है हमको, हमको कोई पीछे से टोके ना तो हमको बर्दाश्त ही नहीं होता है, सटक जाती है हमारी। अब चालीस रुपया लेके क्या हम भाग जाते उसका? गलत हो गया, पर खैर ये सब छोड़ो। तू बता, तेरा कॉलेज कैंपस कैसे चल रहा है? भैया सब बढ़िया चल रहा है, खाली बस है कि मतलब, अरे ये जो मनीषवा है ना, उसको विद्यार्थी परिषद वाला सब जबरदस्ती बलि का बकरा बनाने के चक्कर में। सपोर्ट कौन कर रहा है भैया? कौन? शिवा। अरे बाप रे, वो शिवा अभी भी जिंदा है क्या? अरे माँ कसम, हे भगवान, ये साला ठाकुरों का खून है इसके अंदर या मिक्स ब्रीड है, हमको समझ में नहीं आता। हम कुछ करें क्या? अरे नहीं भैया, टेंशन का कोई बात ही नहीं है। मनीषवा पहले पर्चा भरेगा तब ना शिवा उसको सपोर्ट करेगा। मनीषवा पर्चा ही नहीं भरेगा तो शिवा सपोर्ट किसको करेगा? ये तो है। चल ठीक है, चल, बड़ी मां इंतजार कर रही है तेरे खाने पे। खाना खा, आराम कर। हाँ ठीक है भैया, चल ख्याल रख। ठीक। लहरिया लुटाए राजा। क्या कर रहे भाई? क्या हुआ? भूत ना? बहुत थक थोड़ा विक्रम गया। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? अरे भैया जी जल्दी कीजिए ना, का रात भर पकड़ के बैठेंगे इनका। हाँ देखे ना, इनका गुब्बारा ही फूलता जा रहा है, कहीं फट फट गया तो हमारे हाथ में मूंद देंगे ये। देखो भाई, बेटा तुम्हारे पास दो ही विकल्प है, या तो कि तुम खड़ा होगे या तो कि तुम्हारा खड़ा होगा। भाई
हम नहीं खड़ा होंगे, चलेगा मैं, लेकिन इसके खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैंने मुंह से निकाला, इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। बहुत दर्द होगा भाई। भाई मैं तो बोलता हूँ मैं कैंपस ही छोड़ दूंगा। ठीक है, अरे कैंपस के मैं तो शहर ही छोड़ दूंगा भाई। भाई जाने दो भाई, चल निकल, चल जा, पक्का जा जा जा, चल निकल निकल निकल, बॉस कोई इस्तेमाल नहीं किया। छुटकी तू जा, कब से खड़ी हूँ? क्या हुआ, तू भी चली जाती छुटकी के साथ? अच्छा, जब तक ये तुम्हारी शक्ल ना देख लूँ ना, तब तक दिल नहीं भरता। मेरा भी वही हाल है, जब तक तुम्हें देख ना लूँ। अच्छा, मैं भी देखती हूँ, ये तो लास्ट ईयर है, फिर यूनिवर्सिटी, फिर कर लेना, देखना कौन वेट करेगा और कौन खड़ा रहेगा। कैसे रहूंगा इतने दिनों तक तुम्हारे बिना। अब इतना भी मत फेंको। कौन है यार, एक मिनट। हाँ राजीव, क्या बादर जो जाटू सब कोई आया ही नहीं बहन का लौंडा, अकेले जीतेगा लौंडा। एकदम भैया, अपना भैया अकेला जीतना भी चाहिए। यार ये मनीष का अचानक से गायब होना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब मनीष ही गायब है तो आखिर हम लोगों के साथ खड़ा कौन होगा? ये गुंडागर्दी ऐसे ही चलती रहेगी, आखिर ये सब खत्म कब होगा? हमें तो नहीं लगता भैया इस बार वो आने वाला है। गायब है? नहीं लगता, उसका गाड़ पार दिया था कल। लो शिवा भैया आ गए, शिवा भैया आ गए। ये सब कब हुआ राजीव? पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई यार उसके साथ में? नहीं, मुझे लगता है ये सब विक्रम के गुंडों ने ही किया होगा। हमारा हो रहा है खड़ा बाबू। जी भैया। ठीक है, अच्छा हम जा रहे हैं लेने। अच्छा, इसको थोड़ा सुला करके आते हैं। सुबह से उसका मोबाइल बंद आ रहा था, तब मैंने वसीम को उसके घर पे भेजा। उसके घर वालों ने कहा कि वो कल रात को ही कहीं चला गया, और उन्हें भी कहकर गया था कि वो कल आएगा। मतलब ये कि वो जहां भी गया है अपनी मर्जी से ही गया ना, या तो फिर उसे जाने के लिए फोर्स किया गया है, उसे मैदान से हटाया गया है। राजीव अब जाइए वहाँ पे मजा लीजिए, अब यहाँ निर्विरोध चुनाव जिताने के बाद ही। अरे लिए है ना सेफ्टी वेफ्टी? अबे भोसड़ी के मूड हम पॉकेट में लेके घूमते हैं अपने। क्या बात है भैया, मात चोद देना मादर चोद सबका। पर्चा दाखिल करने का आखिरी तारीख है आज, वक्त भी निकल चुका है हमारे हाथ से। अरे है कोई मादर चोद, एंजॉय कीजिए। कितना टाइम हो रहा है? अरे साला 4:25 हो रहा है। अबे सिगरेट 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 अब कहाँ है? सिगरेट ला। सिगरेट तो नहीं है सड़ी के, मादर चोद जाके सिगरेट लेके आप। आने तो दो मादर चौधों को भैया। कौन सा माल है बे? चौचक लौंडिया है, सीधा चेक करके डीएम डायरेक्ट। भैया हम आपके लिए एक नंबर वन का नाम सोच रखे हैं, भवकाल चंद। हाँ।
अरे बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा आदमी आएगा 5 लाख रुपया लेके, उसको चुपचाप रख लीजिए और काम हो गया समझिए, बाकी हम देख लेंगे। हाँ लेकिन भैया जी, तू ना इस सरकारी रिकॉर्ड का कोई चिंता मत कर, है ना जी भैया जी, जितना कहा जाए उतना ही करो। बस भैया जी। सुने एक सेकंड, अपना दिमाग काहे लगा रहे हो, हा? बात नहीं मानोगे ना तो इच्छे छोटा करके इसी में पिसवा दूंगा, समझे? सॉरी भैया जी। हेडमास्टर साहब। मैं डीन बोल रहा हूँ भैया जी, हेडमास्टर नहीं। अरे यार हम तो 8वीं पास हैं, मास्टर ही समझते हैं, डीन विन तो हमको समझ में आता नहीं है, डॉन जरूर समझ में आता है। अरे खैर छोड़िए, बताइए क्या हुआ। साले तुम वहां बैठ के क्या घंटा उखाड़ रहे थे? और मैं क्या कर सकता था भैया जी, मैं उसे रोक भी तो नहीं सकता था, तेरी माँ की साले। हाँ बबलू। हाँ जी पापा। मैं देखता हूँ पापा क्या कर रहे हैं। लगाओ हीरो को फोन, लगाओ, कहीं लगा होगा। बबलू भैया। हाँ भैया। कहाँ है छोटे? भैया भैया कैंपस में ही है, क्या हुआ? कैंपस में है नहीं, कैंपस में था। हाँ भैया वो पौने पास तक उधर ही था, उसके मंदिर चला। हाँ मुझे सब पता है कौन से देवी के दर्शन चल रहे। तुम्हारे दर्शन खत्म करो और कैंपस जाओ, देखो क्या बवाल मचा है वहाँ। हाँ भैया देखते हैं। भैया फोन करते आप, चल बहन के लोड कपड़ा लेना। शिवा भैया, किसी अजीत नाम के बंदे ने उनके अपोजिट नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया। क्या बात कर रहे हो, कौन है वो, कहाँ है वो? तुम ही हो जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, हमें खुशी है कि तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो। हम सब विद्यार्थी परिषद से हैं, मैं शिवा हूं। सबके बारे में सब कुछ पता है। पता है पर कैसे? नदी में उतरना आसान है राजीव, मगर उसे पार वही कर सकता है जिसे नदी की गहराई के अलावा हर बड़ी मछली और मगरमच्छ के बारे में पहले से पता हो। तो तुम्हें मगरमच्छों से डर नहीं लगा? डरता तो किनारे पे ही खड़ा रहता, और मैं तो शायद इस राजनीति के मैदान में आता ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट के हक के लिए लड़ने वाला विद्यार्थी परिषद तो है ही, लेकिन जब उन्होंने मनीष को भगाकर गुंडागर्दी और जातिवाद की राजनीति शुरू की तो मुझे मैदान में आना पड़ा, क्योंकि मुझे जातिवाद से सख्त नफरत। मुझे तुम्हारे विचार काफी पसंद आए अजीत, अब से विद्यार्थी परिषद के लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और इसके अलावा ये शिवा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चला तो मैं अकेला ही था, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरा कारवां ही बना दिया। शिवा भैया जिधर होते हैं ना, कारवां वहीं बन जाता है। आज से अजीत और शिवा की जोड़ी। और ये रहा तुम्हारे पीछे का कारवां। बिशारा शरीफ लड़का है, लगता है इसे भैया जी के पावर के बारे में पता नहीं है अभी। ऐसा नहीं है फरीदा, मुझे तो ये मामला कुछ अलग नजर आ रहा है। अच्छा जरा टाइमिंग पे ध्यान दो, बिना शोर शराबा किए हुए आता है और पर्चा भर के चला जाता है, जरूर ये सब उसकी सोची समझी हुई साजिश है। गौतम तू फिल्में जरा कम देखा कर,
तुझे हर चीज में सस्पेंस चाहिए। अरे अब तुम्हें कैसे समझाए पगली। वो सब छोड़, बट अगर ये टिक गया तो इसकी जीत तो पक्की है। अब लग रहा है कैंपस के दिन सुधरने वाले हैं। हाँ यार, विद्यार्थी परिषद को सपोर्ट करना चाहिए, कम से कम इन गुंडों से छुटकारा तो मिलेगा। सोचो बाबा, विक्रम के गुंडे मनीष को वोट ना देने के लिए हमें डरा भी सकते हैं। उसका तोड़ है मेरे पास, मैं भैया जी के पैनल के साथ ही घूमूंगा, लेकिन वोट विद्यार्थी परिषद को ही दूंगा। वेरी स्मार्ट। थोड़ा जल्दी कर। जी मालिक। कहाँ भटक रहा था नारद? नारद मुनि मत कहिए मालिक, महाभारत का संजय कहिए, जो आपके लिए रोज नई नई खबरें लाता है। अबे साले, मुझे धृतराष्ट्र बना दिया, मैं अंधा हूँ क्या? मुझे अंधा बना दिया। वो तो मैंने अपने लिए बोला था। और अभी अभी एक खबर लाया हूँ कि भैया जी बहुत गुस्से में हैं। क्यों? थोड़ा जल्दी कर। हाँ क्यों, क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है? सुना है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई अजीत नाम का लौंडा भैया जी की पैनल के खिलाफ खड़ा हुआ है। कौन जात का है? का नाम बताए थे, अजीत यादव। देख रहा हूं छोटे में बहुत इंटरेस्ट ले रहे तू, चल जा उसी का पकड़ के घूम। चल खड़ा खड़ा खड़ा। नहीं मालिक, मैं तो हमेशा आपको आगे दिखना चाहता हूं। क्या आगे जाना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति की पहली सीढ़ी कैंपस ही होती है, और आपका बेटा कैंपस में ही है। अच्छा है ना, विद्यार्थी परिषद की ओर से भी कोई खड़ा होगा, कैंपस सुधर जाएगा, गुंडागर्दी कम होगी, छिछोरापंती कम होगी। अबे कितना हॉट है यार वो। पागल है, कोल्ड ड्रिंक है। अरे कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रही हूँ यार, फिर अजीत के बारे में बोल रही हूँ। उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का स्टाइल, उसके एक्सप्रेशन यार, तूने देखा? ओ मैडम कहाँ हो तुम? कुछ नहीं। कुछ तो है, मैं बस सोच रही थी। कोल्ड ड्रिंक पी? वो तो ठीक है, मैं पी ही रही हूँ। भैया जी आप तो बिल्कुल छा गए हो। अबे छा नहीं गए हैं, भोकाल है, भोकाल। भोकाल। अरे भैया, ये भोकाल माने क्या होता है? भोकाल माने तुम्हारी अम्मा। अरे कमलेश आओ आओ। भैया जी प्रणाम।
मार्केट में गजब का माल आया है, दिल खुश हो जाएगा। माल अच्छा है, क्या कहते हैं? सेक्सी सेक्सी। ठीक है, 5-5-20 कर दे इसका। जी, लेकिन देखना कि माल में कोई डिफॉल्ट ना निकले, वरना इसका पहला ट्रायल। अरे भैया जी, कभी विश्वासघात किए हैं का? अरे छोटे, आजा आजा। अच्छा भैया जी, चलते हैं हम। प्रणाम। कैसा है? बस अच्छा हूं। पर पापा अच्छे नहीं है, बहुत गुस्सा है। कौन है? कौन है झंडू तेरे कॉलेज में? अरे हम देख लेंगे भैया, उस मादरचोद का तो हम ये हाल करेंगे ना कि कॉलेज तो छोड़ो, यूनिवर्सिटी से नाम कटा के जाएगा। देख, तुझे जो करना कर, जैसे उसे हैंडल करना कर, बस इतनी कोशिश कर कि मुझे कॉलेज ना आना पड़े। तू मुझे जानता है और मेरे गुस्से को भी। कॉलेज में बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। अरे हम देख लेंगे भैया, टेंशन नहीं है। तो डील पक्की समझी जाए ना कलेक्टर साहब? हाँ हाँ, डील पक्की है, लेकिन जरा संभाल के, क्योंकि अगर मामला खुल गया अरे तो नौकरी भी आ सकती है। बड़े भाई, आप क्यों टेंशन लेते हैं, हैं? दिल्ली सरकार से जो 1 रुपया आता है उसमें हम तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा बच जाता है। तब हम तो उसी 85 पैसे की बात कर रहे हैं ना, जिसमें बड़े लोग खेल रहे हैं। ऊपर भी तो सब भ्रष्ट लोग ही बैठे हैं, और मंत्री जी उन्होंने तो मौन व्रत ले रखा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने जो आपके बारे में सुना है। आपने सही सुना है, मगर हमारा भी एक उसूल है, धंधे में दादागिरी नहीं और दादागिरी में धंधा नहीं। ठीक है, काम हो जाएगा। अब तो यार हम लोग जय वीरू की तरह जोड़ी बन गए हैं। सिगरेट या चाय? 2 चाय बोल भैया। 2 चाय दे देना। जी भैया। चीनी थोड़ा कम डालना बे। हाँ भैया। लीजिए भैया, ये लीजिए। ये जगह अच्छी है, एकदम बढ़िया। अजीत, मुझे बड़ी तेज से सुसु आई है, मैं जरा खाली होके आता हूँ। 1 नंबर। ठीक, जाओ जाओ जाओ। अरे प्रिया। हाँ, अरे कुछ नहीं यार, बड़ी जोर से सुसु आई थी, उसी का आनंद ले रहा हूँ। बदमाश कहीं की, क्या कहा तूने? मिलता हूँ तो बताता हूँ बड़ा है कि छोटा। क्यों बे, तू इलेक्शन लड़ रहा है? लड़ने के मूड में तो तुम लोग लग रहे हो, मैं तो इलेक्शन में खड़ा हूँ। अगर खड़ा है तो बैठ जा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जुबान लड़ाता है बहनचोद। बहनचोद बोलती है तो ये बताओ, तुम्हारी बहन हमारे पास आएगी कि हम तुम्हारे घर चलें? तेरी तो मर।
अकेले देख क्या हाल करता है साला, रुक हिम्मत रख तो साला कायर कहीं का भगत काम है साला, रुक पंचोत हिम्मत है यहाँ छी। भैया बोल छोटे। भैया बहुत ट्राई किया हम लेकिन हो नहीं पाया। अरे शिवा साथ दे रहा है भैया, वो गड़बड़ हो गया है। इसमें गलती ना तेरी है छोटे और ना ही सब शिवा की वजह से हो रहा है। शिवा तो उस मलेश के साथ में भी था ना। हाँ समझे नहीं हम भैया। मैं समझाता हूँ, देख छोटे डर हर इंसान के अंदर होता है, हम उसे सिर्फ जगाते हैं। लेकिन लगता है कि लौंडा कोई और मिट्टी का बना है, कोई नहीं देखते हैं। तो टेंशन नहीं ले, मैं आता हूं देखने। कैंपस को बता दो बबलू ठाकुर आ रहा है। अरे अजीत भैया, सुना है कल तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था। हाँ हुआ था, तो छोड़ना रात गई बात गई। ये तो कहानी अलग ही ट्विस्ट ले रहा है। क्या बड़बड़ा रहा है? हाँ अरे भैया रात गई बात गई नहीं, बात बढ़ गई। बबलू सिंह आ गया है भैया जी का बेटा। अरे बहुत ही खतरनाक आदमी है। जानता हूँ रे, आया होगा सुनील का प्रचार करने। चलो अरे भैया वो जो भी हो लेकिन अब भैया मैं तो चला। अरे बबलू भैया जी प्रणाम। कैसा है? एकदम बढ़िया भैया। पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास भैया। जी वो सामने बैठा हुआ है। कोई दिक्कत हो तो हमको बताना। जी बिल्कुल भैया। टीचर को तुम्हारे घर भेज देंगे। सर को? अच्छे से पढ़ाएगा। जी भैया। जी अब हम पढ़ाते हैं। इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। मैं ही नहीं, मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं। आप जानते नहीं हैं क्या हमारे बारे में? जानता हूं। तो अरे बैठ जाओ यार, और तुम खड़े हो जाओ। देखो ऐसा है कि तुम्हारी नोटबुक देख के लगता है कि तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। यहाँ सब पढ़ने ही आते हैं। नहीं सब नहीं आते हैं लेकिन तुम आए हो
अच्छा है, करो पढ़ाई लिखाई करो, हैं? लेकिन क्या है, ये इलेक्शन पॉलिटिक्स तुम्हारे बस की नहीं है, है ना? बैठ जाओ। बैठा था तो खड़े होने के लिए बोले, खड़ा हूं तो बैठने के लिए बोल रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? अरे हम सबकी भलाई चाहते हैं, तुम्हारी भी भलाई चाहते हैं। इसके भलाई के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है बबलू, हम सब हैं इसके साथ। शिवा, तुम में इतनी तमीज होनी चाहिए कि जब एक ठाकुर बात कर रहा हो तो दूसरे ठाकुर को बीच में बोलना नहीं चाहिए। ये स्टूडेंट के यूनियन का इलेक्शन है बबलू, ठाकुर यादव की लड़ाई नहीं। अब देखो ऐसा है कि जिसकी ताकत कुर्सी भी उसी की। बचपन में सुना था जिसके पास ताकत होती है जमीन उसी की होती है, अब जमीन की जगह कुर्सी आ गई। ठीक है तो आजा मैदान में, दिखा अपनी ताकत। अरे तुम, हम तुमको प्यार से। होती है तुमसे, इधर आओ। हाँ, क्या है तुम्हारा चुनाव चिन्ह? जलता हुआ मशाल है भैया। जल कहाँ रहा है, जलना पड़ेगा ना। हाँ भैया। हाँ, लाओ थोड़ा। अजीत यादव, अब देखो, अब ये जलता हुआ मशाल अब लग रहा है। बहुत बेहतरीन। हाँ हाँ भैया। हाँ, इसको जलाते हुए लेकर जाओ। हाँ ठीक है, चुनाव चिन्ह है समझे जी। जाओ और सुनो, वो फाड़ दो। हाँ? बारी से बारी मतों से विजय बना। अजीत यादव, मेकअप में कुछ दिक्कत नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि मेकअप करना पड़ेगा? जी भैया। हैं? हाँ? जी भैया। लाओ इनको विजय बनाओ थोड़ा। वाह क्या बात, अरे अब सुंदर लग रहा है। आए, 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 आए। ये तो पूरा डाउन टू अर्थ हो गया भैया। हाँ तो ये डाउन टू अर्थ वाले हैं भी। हाँ सही है, चलो बढ़िया है, अब सब सही है। आधे घंटे लेट। एक्स्ट्रा क्लासेस थी पापा। मम्मी कहाँ है? होगी कहीं अंदर। ये रही है आपकी मम्मी चाय के साथ, ये लीजिए। सुमन जी, अजीत की कोई खोज खबर है? कहाँ है, क्या कर रहा है? नहीं, वो जो 2 महीने पहले आया था, आपसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद से तो उसकी कोई खैर खबर नहीं है। प्रिया। जी पापा। अजीत तुम्हें बहुत मानता है ना? यस, एनी डाउट? डाउट नहीं, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है, क्या कर रहा है, कोई कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट है उसका? इसी बात का तो गुस्सा है ना, मिले ना एक बार, अच्छे से लड़ाई करूंगी। अजीत, शिवा, यूनिवर्सिटी कैंपस में ये सब जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। आई नो सर, यूनिवर्सिटी कैंपस में गुंडों की दखल अच्छी बात नहीं, लेकिन सुनील को समझाए कौन? ये सब जो कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी सर, लेकिन अजीत ने कैंपस में गुंडों को नहीं बुलवाया था। हाँ हाँ, बट अजीत के खड़े होने के पहले यहाँ किसी भी इलेक्शन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सर पहले इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होता था।
इलेक्शन तो अब होगा। ठीक है, तुम पे जानलेवा हमला हुआ। कैंपस में इस तरह का वायलेंस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सर, कैंपस में अटैक नहीं हुआ था, अटैक कैंपस से बाहर हुआ था, और उससे हम निपटने के लिए सक्षम है। आई नो शिवा, यू आर केपेबल, बट अजीत को अपने चक्कर में मोहरा मत बनाओ। सर, इलेक्शन लड़ने का निर्णय मेरा अपना था, शिवा ने तो मुझे सिर्फ सपोर्ट किया है। ओके, यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। अजीत, शिवा, मैं प्रिंसिपल साहब की सारी बातें सुन रहा था। मुझे पता है कि ये उनकी गलती है, पर ये तो उनकी मजबूरी है। वो क्या, हम सब मजबूर हैं, इसलिए तो मैं मैदान में आया हूं सर। डोंट वरी सर, इसके अध्यक्ष बनते ही सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेस्ट विशेस, हमेशा तुम्हारे साथ। थैंक यू सर। एक ही नारा, अजीत हो अध्यक्ष हमारा। वाह, जिसे कोई जीत ना सके, अजीत। वाह, सबका प्यारा अजीत हमारा, सबका प्यारा या सिर्फ तेरा प्यारा? अच्छा, उसे पता है? रुक, मैं उसको बताकर आती हूँ। अरे रुक रुक, तू बैठना। अच्छा, तू कब बताने वाली है? पता नहीं, देख टाइम से बता दे, वरना नाम ही सजाती रह जाएगी। Thank you.
पापा हम आपको लगाते हैं, अभी उस अजीत को टपकाने जा रहे हैं। बबलू रुक जाओ, हमको सब पता चल गया है। अरे और फिर भी आप हमको रोक रहे हैं? हाँ, क्योंकि युद्ध में रणनीति अपनाई जाती है और राजनीति में कूटनीति। तुम कोई गुंडा नहीं हो, बल्कि तुम्हें एक नेता बनना है। सब ठीक हो जाएगा। मैं लखनऊ से जब आऊंगा कैंपस होते हुए जाऊंगा, ठीक है? भूचाल मचा रखा है कॉलेज में। बबलू का दिमाग खराब हो गया था, दुनिया जानती है दिमाग से तेज उसका हाथ चलता है। जी भैया जी, मैं नहीं चाहता कि कोई ये देखिए। अजीत, यहाँ पे जितनी सारी चीजें हैं पैम्पलेट छपवा दो, छपवा के चारों तरफ लगवा दो और पोस्टर के लिए बोल दो। शंभू यादव, अरे अजीत, कल तक वो सब कुछ हो जाना चाहिए। अरे हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, प्रणाम भाऊजी। खुश रहो बेटा। बेटा तुम कहाँ थे? अज्जू। हाँ भाऊजी, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, थोड़ा बिजी था इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। बेटा तू इतना बिजी हो गया है कि अपने बाबूजी और परिवार वालों को ही भूल गया। मुझे मेरा परिवार मालूम है बाबूजी, और मैं ये भी कभी नहीं भूला कि आपका बेटा होने की वजह से आपके परिवार का हिस्सा हूँ। क्या हुआ भैया जी? कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे। कहिए तो मैं अजीत को बुलवाऊं? जरूरत नहीं उसकी, मैं खुद मिलूंगा उससे। बेटा तू बड़ा हो गया है, अब अपना निर्णय खुद ले सकता है। ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मैं बस अपने दम पे कुछ बनना चाहता हूं। बेटा तू समझदार हो गया है और जीवन में कुछ बनना भी चाहता है। खैर, यहां तुझे कोई भी परेशानी हो तो बोलना, मालिक की बहुत चलती है यहां, उनका नाम ही काफी है। अरे मालिक, ये अपना अज्जू। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। देखा। और बेटा अज्जू कैसे हो तुम, इतना बड़ा? प्रणाम भैया जी। हाँ, खुश रहिए। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, मगर तुमने हमारा पैनल क्यों नहीं चुना? क्या फर्क पड़ता है अगर तुम ठाकुर नहीं हो तो? आखिर हो तो हमारे ही औलाद ना, हवेली का नमक खाया है तुमने। है? तुम्हारी जीत में भैया जी की जीत है। तो है। सुनील। जी भैया जी। अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो तू बैठ जा। हवेली जा रहा हूं, बहुत दिन हो गए ना, अगर समय मिले तो आ जाना। ये सब क्या था अजीत? शिवा, क्या तुम लोगों को मुझ पर शक है? शक नहीं करने की भी कोई वजह नहीं है अजीत। भैया जी ने जो कुछ भी कहा क्या वो गलत था? क्या हम लोगों ने जो कुछ भी सुना वो झूठ था? तुम सबने जो देखा सुना वो सब कुछ सच था, और ये भी सच है कि बचपन से मेरा उस हवेली में आना जाना था, क्योंकि मेरे बाबूजी वहां के ड्राइवर थे और आज भी हैं। लेकिन तुम सब जो सोच रहे हो वो सब बिल्कुल गलत है। हाँ,
मैंने बचपन में हवेली का नमक खाया है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बात को सोचने के लिए जरूर मजबूर हो रहे हैं कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं करने जा रहे हैं, कहीं हम भी उस हवेली की जीत में तुम्हारा साथ तो नहीं दे रहे हैं। तुम लोगों को लगता है कि हवेली की बात करके उन्होंने मेरी इज्जत बढ़ाई है, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की है। मुझे तो लगता है कि भैया जी ने अजीत सर को बदनाम करने और हमारे अंदर फूट डालने की चाल चली है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो विद्यार्थी परिषद खुलकर तुमको अपना पैनल देगी। बोलो अजीत, मंजूर है तुम्हें? मुझे मंजूर है, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ठीक है, अजीत अब हमारा ऑफिशियल नेता बनेगा। और जो बाकी की जमीन है वो भी हो ही जाएगी, कुछ दिनों की बात है। बस 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 करिए नौटंकी शंभू काका, आप यहाँ वफादारी का ड्रामा कर रहे हैं और वहाँ पे आपका लौंडा हमारी इज्जत के साथ में खेल रहा है। बबलू, क्या हुआ? शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाए पापा, खाक शांत हो जाए। आपने रोक लिया हमको, वरना उस हरामी के लौंडे को तो हम। देखो बबलू ये बात, चुप। शंभू से तमीज से बात किया करो, इसकी बेइज्जती करके तुमने हमें गाली दी है। अरे तो क्या करें, आप ही बताइए ना हम क्या करें। आपको पता है इनके लौंडे ने क्या ड्रामा किया है? विद्यार्थी परिषद का ऑथराइज्ड कैंडिडेट बन गया है, हीरो बन रहा है हमारे सामने। शंभू, बबलू की बात का बुरा मत मानना, मगर इसकी बात को जरा गहराई से सोचना। शंभू, हम कब तक काबू में रखेंगे? इसका गुस्सा तुम जानते ही हो, कहीं किसी दिन ऊंच नीच हो गया तो। अरे जिंदा रहेगा तो इलेक्शन लड़ेगा ना, अच्छू को समझाओ। आपने कुछ ज्यादा ही सर पे नहीं चढ़ाए हुए पापा से। कुत्ते और बिल्लियों को पालतू बनाने वाले बहुत इंसानों को देखा होगा तुमने, मगर इंसानों को कैसे पालतू बनाया जाता है ये अपने बाप से सीख। प्यार से पुचकार के तुम इंसान और कुत्तों को अपना गुलाम बना सकते हो। ये वफादार इंसान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम इन्हें पालना नहीं सीख पाओगे, कभी भी बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकोगे। ये बताओ तुम उससे प्यार कितना करती हो? प्यार 5 किलो। अरे यार 5 किलो कम से कम साइज देख के बताई होती यार। 5 ही किलो बस इतना ही? टू मच है यार। हम लोग इतना प्यार करते हैं कि एक साथ रहते रहते भाई बहन जैसे दिखने लगे हैं। पता नहीं शादी तक क्या हाल होगा। तो कल ऐसा करो ना, राखी लेके आओ। अच्छा, अरे जब भाई बहन जैसे दिख रहे हैं तो राखी बनवा लेते हैं। हाँ, किसी को भी बुला लो, बुला के पूछ लो तो कि ये दोनों कैसे दिखते हैं। तो ठीक है, कल एक राखी ले आओ, तुमसे बनवा लेते हैं, काम खत्म हो जाए। कुछ भी। क्या कुछ भी? मैं तुमसे सीरियसली पूछ रहा हूँ कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। तो कभी भाई बहन, कभी ये, कभी इसका क्या मतलब यार? मैं बहुत सीरियस हूँ तुम्हारे लिए, क्या पूछ लूँ? अच्छा, अगर मेरी किसी और के साथ मतलब शादी हो गई और हम लोग चले गए घूमने फिरने मस्ती करने, क्या करोगे? जान ले लूंगा। किसकी? तुम दोनों की और किसकी? और खुद भी जान दे दूंगा। अबे जितना हम कह रहे उतना सुनो, ज्यादा बातें मत पेलो। हैं, क्या कह रहे हो? सुनो राणा। हाँ भैया, रखो भोसड़ी, बाद में बात करते हैं तुमसे। हाँ भाई बोलो, जलाएं क्या?
इंस्पेक्टर मर्डर केस में सीबीआई हो सकती है। तुम्हारे आदमी सब तैयार हैं कि वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लें? हाँ भैया, सब तैयार हैं। प्रताप भैया ने हमको बताया था तो हमने सब एकदम सेट कर दिया। राणा, प्रताप मेरा भाई नहीं, सब कुछ है। प्रणाम भैया। तो मेरे लक्ष्मण भाई, राम के लिए बनारस में पैर जमाने का रास्ता मिला क्या? वो दो कौड़ी का भैया जी साला बनारस का किंग बना बैठा है। वही न्यूज देनी थी आपको भैया, उस यूपी कॉलेज में जहाँ पे उसका वर्चस्व था, आज वहीं पर एक अजीत नाम का लौंडा उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। किसके सपोर्ट से? किसी के नहीं। और मजेदार बात तो ये है भैया कि वो उसी के ड्राइवर का बेटा है। वैसे अपना शिवा उसके साथ खड़ा है सपोर्ट में। कौन? हरिवर्धन सिंह का बेटा? जी भैया। अब आएगा मजा, यूपी कॉलेज में घुसने का रास्ता मिल गया। तुम कल ही शिवा के साथ अजीत को बुलाओ। जी भैया। चीयर्स। चीयर्स। प्रणाम बाबूजी, आप यहाँ? तुमने ऐसा काम ही किया कि मुझे यहाँ आना पड़ा। बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम इलेक्शन मत लड़ो। ओ तो भैया जी ने अब आपको भेजा यहाँ? इलेक्शन से डर गए क्या? वो नहीं, एक बाप डर गया है। तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, मैं उन्हें सुबह शाम देखता हूँ। कैसे किसी इंसान की जान लेना उनके लिए मच्छर की जान लेने के बराबर है। एक बात समझ लीजिए बाबूजी, मैं अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जीऊंगा, शान से जीऊंगा और शान से मरूंगा। तुम समझते क्यों नहीं बेटे, ये राजनीति उजनीति बड़े लोगों का काम है, हम छोटे लोगों को रोटी कैसे कमाना ये सोचना चाहिए। जिंदगी भर गुलामी करते करते आपकी सोच भी वैसी ही हो गई है बाबूजी। ये नौकरी मेरे लिए गुलामी नहीं है बेटा। तेरे दादा भैया जी के बाबूजी के यहाँ ड्राइवर थे, मैं भी भैया जी के साथ लग गया, और उन लोगों से हमारा खानदानी रिश्ता है। उन लोगों की वजह से हमें मान सम्मान सब कुछ तो मिला है। तो उनकी नजर में छत्रपाल सिंह के ड्राइवर का बेटा समरपाल सिंह का ड्राइवर होना चाहिए, समरपाल सिंह के ड्राइवर का बेटा बबलू का ड्राइवर होना चाहिए। वो राजनीति में कैसे आ रहा है, वो भी उनके खिलाफ? यही सोच लो। लेकिन एक बात समझ लो बेटा, राजनीति में सफल होने के लिए किसी बड़े नेता या बाहुबली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक किसी नेता या बाहुबली का पीठ पर हाथ नहीं होगा ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। ठीक है बाबूजी। अज्जू भैया यूपी कॉलेज से इलेक्शन लड़ रहे हैं? हाँ? नहीं नहीं, भैया जी के खिलाफ? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं मम्मी, मैं बोल रही हूँ। हे भगवान, ये सच है सुमन? हाँ? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो माना नहीं। उसे पता नहीं कि वो अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है। अब जरा तुम समझा कर देखो, शायद समझ जाए। प्रिया जा, तू दो कप चाय बना ले। ठीक है, लाती हूँ मैं। ये अच्छू भैया भी ना, देखिए जी, आपको तो पता है उसने हमारा रिश्ता अभी तक स्वीकार नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं कभी कुछ नहीं बोली। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसने प्रिया को अपनी बहन माना। लेकिन अगर फिर भी आप कहते हैं तो मैं उससे बात जरूर करूंगी। छोटे मुंह बड़ी बात होगी मालिक, पर जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात आप समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। सब समझ रहा हूं चक्करधारी, सब समझ रहा हूं।
और तेरी ये बात भी सही लग रही है कि जब तक हाथ में पावर नहीं होगा इस हवेली में मेरा हाल जोड़ी के कुत्ते की तरह होगा। समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। जब सब समझ रहे हैं तो परेशानी कहाँ है? मेरी औकात जानता है ना, मेरी औकात इस घर में। इसलिए खुलकर छोटे के खिलाफ नहीं जा पा रहा हूं, मगर कुछ ना कुछ तो करूंगा। उसके लिए चिंता मत करिए मालिक, उसके लिए मैंने भैया जी के खिलाफ एक चिंगारी ढूंढ ली है। और घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया भैया। ये हमारा दोस्त है अजीत। तुम्हारे दोस्त में जोश बहुत है। हाँ भैया, वो तो है। और इसकी आंखों में डर भी नहीं है। पर क्या इसको पता है कि ये किसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? पता है सर, बचपन से उस हवेली को देखा है। सर कहलाना मुझे पसंद नहीं है। कल को भैया जी तुम्हारी जान भी ले सकता है। मैं वो बातें कभी नहीं सोचता जो डर पैदा करे या फिर मुझे दोबारा सोचने के लिए मजबूर करे। कुंवर जी, अगर ऐसा है तो तुम्हारी सोच और तुम्हारे बीच में ये भैया जी खड़ा है। और एक बात याद रखना, राजनीति में जब तक किसी बाहुबली नेता का हाथ ना हो तो आदमी सूखे पत्ते की तरह उड़ जाता है। राजनीति में सफल होने के लिए किसी बड़े नेता या बाहुबली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सही फैसला लिया है। धन्यवाद कुंवर जी। आज से तुम्हारे जोश के झंडे में कुंवर जी का डंडा लग गया है। शिवा, हाँ भैया। यूपी कॉलेज में अपना साम्राज्य खड़ा करना है। हो जाएगा भैया, चलते हैं। प्रणाम। छोड़ो मुझे, अबे कहाँ भोसड़ी वालों मर गए, अब जल्दी आओ।
छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। नाम क्या है तुम्हारा? रानी। देखो रानी, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, उनमें सब यहां कोई नहीं आएगा, तुम जहां जाना चाहो जा सकती। करने जा रही थी तुम? क्यों बचाया आपने मुझे? मर जाने दीजिए मुझे। पागल हो गई हो क्या? ऐसी कौन सी बड़ी घटना हो गई तुम्हारे साथ जो तुम अपनी जान देने जा रही हो? तुम और तुम्हारी इज्जत दोनों सेफ है। देखिए, मैं आपकी बात मानती हूं, लेकिन मेरे लिए कोई छोटी घटना नहीं है। मैं बहुत ही गरीब घर से हूं और मेरे घर में सिर्फ एक माँ है। ये सब काम सिर्फ मैं अपना घर चलाने के लिए कर रही थी, लेकिन आज के बाद तो मैं ये भी नहीं कर सकती। बस अब इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। एक रास्ता है, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? ये कौन है बेटा?
मैं तुमसे पूछ रहा हूं अजीत, ये कौन है? ये क्या चल रहा है? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं, ये कौन है? हाँ? प्रिया, इसे लेकर अंदर जाओ। प्रिया, मैंने बोला ना, इसे लेकर के अंदर जाओ। हाँ भैया, आओ। दुनिया समाज नाम की भी कोई चीज होती है बेटा। दुनिया समाज की बात आप ना करें बाबूजी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने जो भी किया टंके की चोट पे किया है, रात के अंधेरे में मुंह छिपा कर नहीं। शुरुआत तो नहीं? प्लान बदलते हैं। अब उस अजीत को रास्ते से हटाना नहीं है, अब उसे हराना है। क्या? अजीब लग रहा है ना मेरे मुंह से ऐसी बातें, पर पापा ने एक अच्छी सीख दी और कुछ दिन शांत रहने को भी कहा है। अरे लेकिन भैया वो बहुत पॉपुलर है, लड़के फैन है उसके, लड़कियां दीवानी हैं। वही तो, उसकी यही पॉपुलैरिटी को खत्म करना है। कुछ सोच, दिमाग लगा, छोटे रास्ता जरूर निकलेगा। एक ऐसा रास्ता सोच ताकि उसकी ये पॉपुलैरिटी बदनामी में बदल जाए। रास्ता मिल गया भैया, बस आप आशीर्वाद दीजिए। एक तीर से दो शिकार। जा। अजीत सर, अजीत सर, अजीत, अजीत, अजीत सर। क्या है अजीत सर?
हाथ तो तेरा माँ का चुदो, आज देख तू खोल सलीम। ये देख, चल 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 ऊपर, चल ऊपर गई। प्लीज दूर रहो मुझसे। अब कहाँ जाएगी? मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, प्लीज मेरे पास मत आना। मर गई, निकल गई यहां से। चल जी हाँ, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यूपी डिग्री कॉलेज में निशा नाम की छात्रा की कथित आत्महत्या मामले में यूनिवर्सिटी के छात्र उग्र उठे, पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी तरह वहां मौजूद छात्र नेता भैया देख रहे हैं वो शिवा सिंह ने, ये सब हम लोगों का कमाल है भैया, की हत्या की गई है और अपराधियों के पकड़े जाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या हुआ भैया? भैया ये जिम गए तो पता चला कि आप आज सुबह सुबह ही? अरे आज तो यही हमारा प्रोटीन शेक है। हाँ? अच्छा, आज हमारे भाई ने पहली बार हमको प्राउड फील करवाया है। शाबाश छोटे। अब सुन, वापस कैंपस जा और जाकर उस अजीत का ढंग से चरित्र चित्रण कर। हाँ भैया। पुलिस उस तक पहुंचेगी नहीं, और अपने छोटे तक तो हम पुलिस को पहुंचने भी ना दें। पता है भैया। समझा, जाकर ढंग से उसकी बदनामी कर अब। ठीक ठीक है भैया, जा। चल सुनील, चलो चल। और सुन। हाँ भैया। वो कैंपस में उस निशा को इंसाफ दिलाने के लिए जितना ड्रामा कर सकता है ना जाके कर। हम काय को ड्रामा करेंगे? इस ड्रामे को ही राजनीति कहते हैं छोटे, तू नहीं समझेगा। साला हमको तो बहुत अफसोस है। किस बात का भैया? निशा के मरने का? अबे नहीं वे पगले, ले नहीं पाए उसकी। समझे भैया, चैन खुला है आपका। देखो साला अभी तक याद में चैन भी खोल के रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, एकदम नौटंकी करना है। चल चल, वी वांट जस्टिस। निशा को इंसाफ दिलाओ, निशा को इंसाफ दिलाओ, निशा को इंसाफ दिलाओ, आप लोग शांत रहिए, कृपया मेरी बात सुनिए। हमें बातें नहीं, इंसाफ चाहिए सर। और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम किसी भी हद तक चले जाएंगे सर। हम इस इलेक्शन का तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक कि निशा को इंसाफ नहीं मिल जाए। क्यों भाइयों? निशा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, निशा को इंसाफ दो। शांत हो जाइए, शांत रहिए। देखिए मैं आप लोगों के इमोशन को समझता हूँ, इसीलिए कमेटी ने यह फैसला किया है कि छात्र संघ के इलेक्शन को 2 महीने के लिए टाल दिया जाए और जहाँ तक निशा का संबंध है तो आज ही मैं SSP से बात करता हूँ। थैंक यू। पहले तुम मेरी बात सुनो। ये चक्कर क्या है वसीम? तुमने हमको बोला जाके निशा को बोलो अजीत ने उसको मिलने बुलाया है, और हम यहाँ ये सोच सोच के परेशान होते कि अजीत अजीत निशा को कैसे मरवा सकता है। और अभी हमने तुमको विक्रम के साथ देखा,
और तुमको विक्रम के साथ देखकर ना हमें कुछ कुछ समझ में आने लगा। तुम सच सच बताओ ये चक्कर क्या है सारा? देख फरीदा, मैंने तुझे बताया या तूने उसे भेजा, सब भूल जा वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। निशा के लिए नारे लगा बस। क्या हुआ अजीत, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। घर क्यों, क्या हो गया? यहाँ रह के क्या करूँगा, वैसे भी इलेक्शन 2 महीने बाद होने वाला है। तो ठीक है, 2 महीने बाद होने वाला है इलेक्शन, चला नहीं हमेशा के लिए, फिर होगा इलेक्शन, तब की तब देखी जाएगी। वैसे भी मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। बात भागने की नहीं अजीत, लेकिन ऐसा भी क्या अर्जेंट आ गया कि तू बिना बताए मुझे यहाँ से जा रहा है? हर बात तो मैं तुझे नहीं बता सकता, कुछ पर्सनल काम है। ये तू आज कैसी बातें कर रहा है अजीत, क्या हुआ है तुझे? सीधी और साफ सुथरी बात कर रहा हूं, हर आदमी की अपनी कुछ पर्सनल लाइफ होती है। चलता हूं, बाय। अजीत, माँ जी आप बहुत प्यारे हो, शायद ईश्वर सबकी माँ को आपके जैसा ही प्यारा बनाता होगा। चाय। अरे बट 2 ही कप। हाँ, बिकॉज मैं नहीं पीऊंगी। क्यों? डाइटिंग। हेल्थ कॉन्शियस। अच्छा ये लीजिए। ठीक है। बहुत अच्छी है। बेटा तुम्हें इस घर में आके कुछ ही दिन हुए हैं, मगर लगता है तुम्हारा हमारा सदियों का संबंध है। कुछ रिश्ते ऊपर वाला लिख के भेजता है माँ जी, जिन्हें हम इंसान खुद भी नहीं समझ सकते। बेटा एक बात बोलूँ? जी। तुम मुझे माँ जी नहीं, माँ कहो। बेटे ने तो मुझे आज तक माँ नहीं कहा, कम से कम बहू तो मान ले। माँ मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अजीत आपको माँ क्यों नहीं मानता? पता नहीं, शायद कुछ रिश्ते ऊपर से नहीं बन के आते। ऐसा नहीं है माँ, मैं अजीत से बात करूंगी। बात कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें देखकर मुझे एक उम्मीद तो जागी है। वैसे तो हर माँ को उसका बेटा पहले मिलता है और फिर उसे बहू मिलती है, लेकिन मुझे बहू पहले मिली है और शायद बेटा भी मुझे मिल जाए। बैग के साथ आ गया मेरा भाई, इसका मतलब अभी रहेगा। तुम लोग यहाँ बाहर क्या कर रही हो? बाहर कुछ नहीं, बातें कर रहे थे। दे बैग। और इसे क्या पहना रखा? क्या पहना रखा है मतलब, मेरा है। अच्छा तब ठीक है। कपड़े खरीद के थे, उसके पास नहीं है एक भी कपड़े। अच्छा, हाँ। प्रिया। जी मम्मी। तू चल मेरे साथ किचन में। चलिए। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। आप माँ जी को माँ का दर्जा क्यों नहीं देते हैं? वैसे मुझे पूछने का तो कोई हक नहीं बनता, लेकिन क्या ये आपका घर नहीं है? ये घर मेरा भी है और तुम्हारी माँ जी मेरे बाऊजी की पत्नी भी। बाऊजी की पत्नी और माँ में क्या फर्क है? इस फर्क में एक दर्द जुड़ा है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, एक ऐसा जख्म जिसकी कल्पना का एहसास भी दर्द पैदा करता है। दर्द तो हमने माँ जी की आंखों में देखा है, बेटा होकर भी बेटा ना होने का दर्द। आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश तो कीजिए, हो सकता है आपका जख्म भर जाए।
सारा दिन आपको आंखें देखने के लिए तरसती है। मैं भी तो सारा दिन तुम्हें देखने के लिए तरसता हूं। दरवाजा तो बंद कर ले। सुनिए, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं तो भैया के शादी की डांस की प्रैक्टिस अभी से चालू करती हूँ। अरे वाह। तू भी ना। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे माँ कहकर कितना बड़ा दर्जा दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, आज तुमने ये कहकर मेरे दिल का भी बोझ हल्का कर दिया। देखो प्रिया। कहाँ बे? अजीत के साथ। अबे चल चल पीछा कर। हाँ जल्दी बैठो। ना जल्दी करना बे। हाँ हाँ हेलो बबलू भैया। बोल छोटे। भैया शिवा का एक माल है प्रिया। तूने ये बकवास सुनाने के लिए मुझे फोन किया है? अरे भैया सुनिए तो सही, वो इस समय अजीत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा। क्या कहा? हाँ भैया, इस वक्त मेरे सामने ही है। अच्छा सुन, अब जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा कर। हाँ भैया। यहीं से लेना है मुझे, यहीं से लेना है। चलना। अच्छा चल रहा हूँ, रुक जा रुक जा, चल रहा हूँ। चलना। अच्छा पक्का यहीं से लेना है? हेलो शिवा, बबलू ठाकुर बोल रहे हैं। कहाँ हो? अप्सरा में। कुछ बात करनी है? मेरा मूड अभी बहुत खराब है बबलू, मैं तुझसे कुछ बात नहीं कर सकता अभी। मूड खराब है? बैठा सही जगह है। और भैया अभी तो हम आपका मूड खराब करेंगे। वेट, बबलू इज कमिंग। अरे गाड़ी निकालो। ठीक है। नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। ओके भैया, ये जो जो मांग रही है ना बस दे दो। ठीक है बबलू भैया, प्रणाम। हाँ जी दरो। हाँ सिंह साहब। क्या हुआ शिवा, इतने टेंशन में क्यों हो? वो सब छोड़, जिसके लिए तुझे यहां आना पड़ा वो बोल। देख शिवा, मैंने बहुत सोचा तेरे बारे में और वो साला अजीत उसके बारे में। अब उसके बारे में तुझे क्या बताऊं, मैं तो उसे बचपन से जानता हूं। खैर छोड़ो उसे। देखो मुझे ऐसा लगता है कि तू गलत नहीं है। वैसे भी शिवा, एक छोटे से कैंपस के इलेक्शन के लिए दो ठाकुर लड़ाई कर रहे हैं, वो भी शहर के इतने दबंग, इतने स्ट्रांग ठाकुर, अच्छा लगता है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब एक ठाकुर दूसरे ठाकुर से पूछ रहा है, बता क्या करना है? मेरा मूड बहुत खराब है बबलू, मैं किसी मूड में नहीं हूँ बोलने के। अरे तो हम है ना, हमको बताओ, हम तुम्हारा मूड ठीक कर देंगे। अरे बाबरी, ये क्या वीडियो आया है? लेडी किलर बना हुआ है ये तो लौंडा है। पहले वो उस ऑर्केस्ट्रा वाली को घर ले आया,
फिर वो तुम्हारी, वो तुम्हारी तो वो मुबोली बहन थी है ना, महादेव सुसाइड कर लिया इस लौंडे के चक्कर में कुकर में। अब ये देखो आइटम फंसाया हुआ। किसकी बात कर रहा है तू? अरे तो तुम्हारा मित्र है अजीत, ये देखो क्या कुकर्मी हरकतें हैं। थोड़ा बिजी हुआ। प्रिया, किसका फोन था प्रिया? हाँ मेरी सहेली का फोन था। ओके, क्या हुआ? वो मुझे कोचिंग के लिए बुला रही थी। अरे शिवा, देखो तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो हैं? अगर किसी भी चीज की जरूरत हो हमको बोलो, मतलब किसी भी चीज की जरूरत है मतलब है चाहिए। ये हटा बबलू, मुझे जाने दे। सबील में कितनी इज्जत है आपकी ये बताने की जरूरत नहीं है मलिक, और ताकत ना आपके पास है ना आपके हाथ। अगर होती तो छोटी ठकराइन कहीं भटकती है? क्या बोला, क्या बोला? तेरी मां की। क्या होगा मालिक, मारिए ना, रुक क्यों गए? ऐसा करके मैं अपने आप को सही साबित तो नहीं कर सकता ना। मेरे बारे में जो तू सोचता है पुष्पा और छोटे भी तो वही सब सोचते होंगे मेरे बारे में। जान कमजोरी बनती जा रही है। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं तो तड़पती रह जाती। क्यों लग रहा है कि वो जागे हुए हैं? देखो ना। ठीक है, जाती हूं। अरे
वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो बाहर थोड़ा टहलने के लिए चली गई थी। पिछवाड़े छोटे के साथ देखा मैंने तुझे। बोलना बेशरम, कहाँ गई थी तू? छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, मुझे बात करनी है, छोड़ी मुझे। बोल, क्या बात करनी है तुझे? आ गई थी मैं बाबू से मिलने, सुनना चाहते हैं ना आप? तो सुनिए, मेरे जिस्म को सुख चाहिए और मेरी कोख को हालात, और आप, आपसे तो हो ही नहीं पा रहा है। आप तो मुझे बांझ कह के इस घर से बाहर निकाल दोगे, जैसे अपनी पहली बीवी के साथ किया था। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं दूंगी इस हवेली को चिराग। बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू इस घर की ठकुराइन है। आ रही है, आ रही है मुझे शर्म। तभी तो जो भी किया इस घर की चार दीवारी के अंदर किया, कहीं कहीं बाहर जाके मुंह नहीं मारा मैंने। और हाँ, आज के बाद आप मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। साली, हवेली को चिराग देने के नाम पर अपने जिस्म की आग बुझाती रही, और मैं शहर के घूंट पीकर सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। लेकिन आप, ऐसा नहीं होगा। मुझे पावर चाहिए, पावर, और ये मैं छोटे से लेकर जाऊंगा। भैया जी, अपने जीते जी कभी नहीं देंगे, इसलिए उसे मरना होगा। ये क्या प्लानिंग चल रही है? आप जो भी सोच रहे हैं गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये सोचा है ये होगा कैसे? अभी सोचा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। रास्ता अपने आप नहीं बनता है। अगर ऐसा होता तो आप अब तक चुप नहीं बैठते। क्या मतलब? आप बस बैठ के चिल्लम फूकिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला। जो भी करना है मुझे ही करना होगा। मेरे बेटे के भविष्य के लिए मुझे ही सोचना होगा। बोलो ठकुराइन। ठकुराइन नहीं, तुम्हारी पुष्पा। हाँ पुष्पा, बोलो कैसे याद किया? मैं अपने बेटे को इस घर का वारिस बनाना चाहती हूँ। अच्छा सोचा है। हर माँ को अपने बच्चे के अधिकार के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन भैया जी ऐसा नहीं चाहते, वो ऐसा होने नहीं देंगे। मुझे आपकी मदद की जरूरत लगेगी। आप विजय बहादुर जी को जानती हैं ना?
उन्हें कौन नहीं जानता। तो विजय बहादुर जी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी है, तो वहाँ आपको बबलू को किसी तरह भेजना है भैया जी के साथ, बाकी का मैं देखूंगा। दोनों पहुँच जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। तो मेरा भी वादा है, तुम्हारा काम हो जाएगा पुष्पा। जल्दी मिलते हूँ आपसे। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष ठाकुर सर। ये पकड़ो, ये भी पकड़ो, और काम में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, समझा? काम तो पक्का हो जाएगा ठाकुर साहब, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज की रात विक्रम की जिंदगी की आखिरी रात होगी, लेकिन पकड़े जाने के बाद मालिक आप मुझे बचा लेंगे ना? अव्वल तो तुम पकड़े नहीं जाओगे, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड देख लिया है मैंने। जी मालिक। और अगर पकड़े गए तो पुलिस के सामने चुपचाप इल्जाम कबूल कर लेना कि पुरानी रंजिश के चलते तुमने विक्रम को मारा। जी ठीक है मालिक। फिर अदालत में मुकर जाना। जी ठीक है। उसके बाद जेल से बाहर निकालने का जिम्मा मेरा। ठीक है मालिक, प्रणाम। ध्यान से जाना। मालिक वाह, आपने तो एक तीर से दो शिकार कर दिए। भैया जी और उसके खून का इंतजाम ठकुराइन कर रही है, और उसके नाजायज खून का इंतजाम आपने कर दिया। मैंने तो कर दिया, दिमाग तो तेरा भी है ना। मैं तो आपका गुलाम हूँ मालिक। एक बार पावर आ जाने दे, फिर तो गुलाम नहीं रहेगा, बसीर होगा, बसीर। प्रताप, विजय बहादुर जी की पार्टी में कैसे क्या करना है सब सेट कर दिया ना? जी भैया, राणा ने अपनी टीम लगा दी है। राणा? हाँ भैया। सब भरोसे के आदमी है ना? हाँ भैया, सब व्यवस्था कर दिया है। अगर कोई गलती से पकड़ा गया ना तो अपना मुंह नहीं खोलेगा। उनको समझा दिया कि उनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। गुड। वैसे भी जो हमारे प्रति वफादार रहे, हमें भी उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। भैया आपसे एक बात पूछनी थी। आपको कैसे लगा कि वो ठकुराइन इस तरह का कदम उठा सकती है? जर जोरू जमीन, महाभारत में द्रौपदी ही कारण नहीं थी, सत्ता के लिए वर्चस्व की लड़ाई थी। अब देखो ना, हमने भी इस महाभारत में एक कर्ण खोज लिया है। कर्ण? कौन है वो? अजीत। उसके सारथी का बेटा। उसको फोन लगाओ और उसको आज पार्टी में बुलाओ। जी भैया। अरे बबलू। जीताओ जी। ये रामलखन की जोड़ी पार्टी में जा रही है ना? हम नहीं, भैया जा रहे हैं। प्रणाम ताऊ जी। तू नहीं जा रहा? हम क्या करेंगे वहां जाकर के? तुम घर पर रह के क्या करोगे? क्या यार, भाई छोटे की ताकत बबलू और बबलू की ताकत तुम। हाँ वो तो है। अगर एमपी की टिकट दिलवानी है छोटे को तो हवेली की ताकत दिखनी चाहिए। दिखनी चाहिए कि नहीं ताऊ जी? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं ताऊ जी। चल छोटे, आज तू भी मेरे साथ में चलेगा। हाँ मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ। अरे अब तो बड़ा हो जा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना। पक्का? हाँ ताऊ जी, मैं लेके जाता हूँ इसको। चल तू आजा। प्रणाम ताऊ जी। आओ हीरो उस्ताद, आज तुम्हें बड़ा करें हम। हैं चलो गाड़ी निकलो। चलो
प्रणाम कुंवर जी। खुश रहो। ये विक्रम को कहाँ भेजा आपने बबलू के साथ? पार्टी में। ये जानते हुए कि वो मौत की पार्टी है? इसलिए तो भेजा। मतलब? मतलब ये कि आज के बाद से इस हवेली पर सिर्फ मैं राज करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। आप अपने बेटे को मौत के मुंह में कैसे ढकेल सकते हैं? कैसे? अपना नहीं, सिर्फ तेरा बेटा हरामजादी। वो छोटे का एक पाप था जो तेरी कोख से फूटा था और आज के बाद ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करना। ये तूने अच्छा नहीं किया। Thank you.
पापा चाचा पापा आप ठीक तो हैं चाचा पापा चाचा भैया निकलो अरे मार अरे क्या कर रहे हो भैया निकलो मार जी अध्यक्ष सभा चल 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 मार चल चल चल